हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया और चाइना की लड़ाई के बारे में। यह लड़ाई 1967 में हुई थी। जैसा फ्रेंड्स जानते हैं आप लोग और हम लोग कि यह लड़ाई पहले भी हुई है 1962 में फ्रेंड्स, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे 1967 की लड़ाई। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि यह युद्ध का तारीख क्या है, यह युद्ध के प्रमुख कारण क्या है, यह युद्ध के प्रॉपर लोकेशन क्या है। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं। नाथुला और चोला मिलिट्री क्लैशेस इंडिया और चाइना के बीच हुआ था। इस वॉर की डेट की बात करें तो नाथुला में 11 से 14 सितंबर 1967 में यह लड़ाई चली थी और चोला में 1 अक्टूबर 1967 को यह लड़ाई शुरू हुई थी और खत्मी उसी दिन हो गई थी। अगर इसकी प्रॉपर लोकेशन की बात करें तो नाथुला और चोला के बॉर्डर जो चाइना और अब के सिक्किम और उस समय के किंगडम ऑफ सिक्किम हैं, भारत और चीन के बीच के तनाव का प्रमुख कारण था चुंबी घाटी का विवादित सीमा जिस पर चीन अपना नियंत्रण बनाना चाहता था। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं इस युद्ध के होने का कारण, इस युद्ध का बैकग्राउंड। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद से ही हिमालय से सटे सीमा पर तनाव जारी रहा, पर इस बार भारत ने अपने पिछले हार से सबक लेकर आर्मी की यूनिट्स इन विवादित सीमावर्ती इलाकों में तनाव कर रखा था। अपने इस सैन्य विस्तार से भारत अपने उत्तरी विमाओं को चीन के किसी भी आर्मी अटैक से रक्षा करने के लिए पहले से ही तैयार थे। चुंबी घाटी को बचाने के लिए भारतीय सैनिक और चीन के सैनिक इस करीब को बॉर्डर पाए पहले से ही तैनात थे। अब देखते हैं फ्रेंड्स 13 अगस्त को क्या हुआ। 13 अगस्त को 1967 को भारतीय सैनिक ने इस बात को ऑब्जर्व किया कि चीन के सैनिक सिरी कग की तरफ नाथुला ने खाई खोदना शुरू किया है। इस बात को चीन के उच्च अधिकारियों को भारत के तरफ से बताया गया और फिर उसे बंद करवा दिया गया। इन सभी गतिविधियों को देख भारत ने अपनी सीमाओं में तार बिछाना शुरू कर दिया था, लेकिन 18 अगस्त को हथियारों से लैस चीनी सैनिक भारतीय सैनिक के इस कदम का विरोध किया। तब 7 दिसंबर को जब भारतीय सैनिक ने नाथुल के दक्षिणी किनारों पर एक और कांटेदार तार खींचना शुरू किया तो चीन के स्थानीय कमांडर सैनिक ने इस काम को रोकने के लिए भारतीय कमांडर को सीरियस वार्निंग दिया गया, जिसके बाद दोनों तरफ के सैनिक के द्वारा हाथापाई हुआ जिसमें चीन के 2 सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए। इस घटना के बाद 11 सितंबर 1967 को भारतीय सैनिक के द्वारा अपनी कथित सीमा को इंगित करने के लिए नाथुला से सेबुला तक तार बिछाने का फैसला किया गया और यहीं से शुरुआत होता है इंडिया चैनल बैटल 1967। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात किए 1967 की लड़ाई। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।